हरियाणा के नूंह में सुलगी हिंसा की आग अब गाजियाबाद तक पहुंच गई है। गाजियाबाद में हिंसा के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंसा को देखते हुए यूपी पुलिस ने कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। हिंसा के विरोध में हिंदू संगठन बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर रही। जब से हरियाणा के नूंह में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई है, तभी से हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी को लेकर बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान गाजियाबाद के डीसीपी सिटी निपुण अग्रवाल खुद मौजूद रहे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन को संपन्न कराया। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद पुलिस सोशल मीडिया पर पूरी तरह से निगरानी रख रही है। देखिए गाजियाबाद से संवाददाता सोनू खान की रिपोर्ट। हरियाणा में हुई हिंसा के बाद गाजियाबाद में भी अलर्ट है। गाजियाबाद पुलिस द्वारा तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबाद में भी कई जगह पर बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। इन सब बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के डीसीपी मौजूद हैं, निपुण अग्रवाल जी, बातचीत करेंगे। सर, गाजियाबाद में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जाना था, तो किस तरीके का रहा, क्या कुछ गाजियाबाद पुलिस के इंतजाम रहे? देखिए, नूह की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक प्रोटेस्ट के लिए ऐलान कर रखा था। इसमें हम लोग को मुख्यालय की तरफ से भी निर्देशन मिले। इसमें हमने आज 7 QRTs का डिप्लॉयमेंट कर रखा था सिटी क्षेत्र में, जिसमें कि 3 नवी मार्केट पे, 2 पुराना बस अड्डा पे और 2 कलेक्ट्रेट पे हमने डिप्लॉय कर रखी थी। इसमें बॉक्स फॉर्मेशन में हमने सिक्योरिटी दी थी और इसमें जुलूस निकाला गया पीसफुल। इन लोगों ने उसको पीसफुल जुलूस निकाल के ख़त्म करा गया। सर, गाजियाबाद में किस तरीके की व्यवस्था और की गई, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर हिंसा हुई, गाजियाबाद सटा हुआ है दिल्ली से, तो इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था रही, क्या अपील गाजियाबाद वासियों से की हुई? देखिए, जितने भी थाने हैं हमने सबके यहाँ से ड्यूटी चार्ट निकाल रखा है। हमारी चीता मोबाइल है, माइक मोबाइल है, जितनी भी PRVs हैं 112 की हैं, सभी मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं। रात को भी हम लोगों ने 3 बजे तक गश्त लगाई थी। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे, सब पे हमारा सोशल मीडिया से सजग नज़र रखा हुआ है। और गाजियाबाद वासियों से यही अपील है कि सब शांति बनाए रखें। अगर कोई भी उन्हें इस तरह की सूचना मिलती है जो कि सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें तत्काल ही हम लोग को सूचना दें, हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। तो साफ तौर पर गाजियाबाद पुलिस के द्वारा तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो सकती है तो वो सीधा गाजियाबाद पुलिस से संपर्क भी कर सकता है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।